खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। टॉयलेट बनाने के लिए खोदा गड्ढा तो मिला नरक अंकाल, उड़े होश। डेब्यू मैच में ही इस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा 123 साल पुराना रिकॉर्ड। सनी लियोन को पेटा के डिजिटल एक्टिविज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 17 साल के बेटे ने गुस्सा निकालने के लिए झाड़ू लेकर माँ को पीटा। घर से बाइक ले गया तो बेल्ट डंडे से करीब आधे घंटे तक पीटा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोंडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टॉयलेट बनाने के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में एक नरक अंकाल मिला। जब गड्ढा खोदने वाले लोगों ने कंकाल देखा तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजा है और जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सलामी बल्लेबाज अजय रोहरा ने अपने डेब्यू मैच में ही रिकॉर्ड बना दिया। शनिवार को मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में मध्य प्रदेश की तरफ से रोहरा ने 267 रन की नाबाद पारी खेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन को एक दिल जीतने वाले काम के लिए अवार्ड दिया गया। दरअसल सनी को पेटा के डिजिटल एक्टिविज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सनी लियोन को जानवरों के प्रति संवेदना दिखाने और जानवरों से प्यार करने की वजह से मिला है। देखिए किस तरह यह 17 साल का लड़का हाथ में झाड़ू लेकर अपनी माँ की पिटाई कर रहा है। वो लड़का अपनी माँ को डराता धमकाता है। बताया जा रहा है कि माँ ने पड़ोसियों को बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आने की बात बताने की वजह से ये लड़ाई हुई थी। इसी वजह से 50 साल की माँ बेटे से डरी हुई दिख रही है। चार लोग मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीटने का वीडियो सामने आ रहा है। सफेद टी शर्ट वाला लड़का माफी मांगता रहता है लेकिन आरोपी युवक उसे बेरहमी से पीटते रहे। करीब आधे घंटे तक बेरहम युवकों ने बेल्ट डंडों से पीटा। पीड़ित युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो पीटने वाले युवक की माँ से झूठ बोलकर बाइक ले गया था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।